लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आया था आवाज़ में, वो फर्स्ट टाइम माइक लगाया इसके लिए हुआ है, तो अभी इस वीडियो से आपको आवाज़ क्लियर आएगा और आ भी रहा होगा अभी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ को समझने से पहले इसको हमारी डे टू डे लाइफ में हम थोड़ा सा अटैच करके समझेंगे कि डे टू डे लाइफ में हमने इसका इफेक्ट कब देखा है। तो वो इफेक्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा लिक्विड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड में हम लोग अब तक लिक्विड गैस दोनों पढ़ रहे थे, पर ये वाले टॉपिक में हम लोग लिक्विड की तरफ ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन जो नेक्स्ट टॉपिक अभी आपका आ रहा है, एक्चुअल में सरफेस टेंशन थोड़ा आगे आएगा। कुछ बेसिक्स पहले हमको लेने पड़ेंगे और फिर बाद में सरफेस टेंशन आएगा, लेकिन सरफेस टेंशन का पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो टेंशन मतलब फोर्स एक तरह का, ये आपको मालूम है। सरफेस मींस ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, सरफेस ऑफ फ्लूइड के सरफेस के ऊपर एक फोर्स होती है। और इस फोर्स का इफेक्ट आपको कैसा दिखता है कि अगर आपके पास समझो बहुत ही शांत स्टेबल पानी है, उस शांत स्टेबल पानी के ऊपर आप अगर एक ब्लेड रखो, आराम से एक ब्लेड रखोगे, तो ब्लेड उसके ऊपर रुक जाता है और वहाँ पर रुका हुआ रहता है। ठीक है, सेकंड केस आप ऐसा ले लो कि अगर आपने समझो ये शांत स्टेबल पानी के ऊपर जहाँ पे ब्लेड रखा और ब्लेड रख के आपको इफेक्ट मिल रहा है। दूसरा केस आप ऐसा ले लो कि वहाँ पर आप कीड़े, अभी बाढ़ का पानी जमा होता है या खड्डे में किधर पानी है, तो आपने देखा होगा कीड़े जो होते हैं, स्पाइडर जो होता है, वो खड्डे के ऊपर से खड्डे के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर चल के जाता है, या स्पाइडर है या कीड़ा है उसके ऊपर चल के जाता है। तो वो जो पानी होता है, वो पानी के सरफेस पे एक तरह का फोर्स, ये कब पॉसिबल है? देखो, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा या कभी कभी ऐसा, अभी तो कम आता है, लेकिन पहले ऐसे देखो बंजारे लोग आते थे और वो बंजारे लोग क्या करते थे कि एक रस्सी बांधते थे और वो रस्सी के ऊपर चलते थे। टीवी में आपने बहुत जगह शोज़ वगैरह में देखा रहेगा और अभी रोड पर भी कभी कभी देखने को मिलता है, ये सब मेले वगैरह में आता है। तो वो क्या होता है, रस्सी के ऊपर वो चल के जाता था। तो अभी क्या होता है, रस्सी का जो टाइटनेस होता है, टाइटनेस ऑफ दैट स्ट्रिंग, बिकॉज ऑफ दैट टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग इट इज एबल टू होल्ड द वेट ऑफ द पर्सन विच इज मूविंग ऑन द स्ट्रिंग। जो वो रस्सी है, उस रस्सी के ऊपर जो आदमी चल के जा रहा है, वो चल के जाने वाला आदमी जो है, वो आदमी का वजन कौन संभालता है? वो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है वो उसके वजन को संभालती है, और वो टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग को हम लोग बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आपके पास जो सरफेस है, फ्लूइड का सरफेस, वो फ्लूइड के सरफेस के ऊपर एक टाइटनेस आता है। ये टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग जो होता है, उस पर जब आप ब्लेड रखो तो टिक जाएगा, उसके ऊपर आप कीड़े को चलने को दो तो वो चलेगा। उसके वजह से ही ड्रॉप्स जो है वो अपना शेप लेते हैं। ड्रॉप्स हमको मालूम है स्फेरिकल शेप होता है। तो वो आपस में क्या होता है कि वो जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ड्रॉप के अंदर भी जो पानी है, वो पानी के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एडहेसिव फोर्स लगाता है, कोहेसिव फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है। अब ये समझो कि वो चिपकाने वाला फोर्स लगाता है, एडहेसिव कोहेसिव आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो अब ये समझो कि वो आपस में अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लगाता है, और वो अट्रैक्ट करने वाले फोर्स से लगने की वजह से वो क्या होता है, एक दूसरे को चिपक जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है, ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन के ऊपर। ये सारी चीज़ें, यानी कीड़े का उसके ऊपर चलना, ब्लेड का पानी के ऊपर टिकना, ये सारी चीज़ें क्या है, सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब ये कैसे जनरेट होती है, इसको समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी आपका एक फ्लूइड है, वो पानी हो सकता है, वो केरोसिन हो सकता है, वो कोई भी तरह का लिक्विड हो सकता है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पर समझो आपके पास एक टब है, ये टब में क्या हुआ है, टब में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन हो रहा है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे। ये जो अट्रैक्शन होता है इस लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स का, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। अब इसको दो में डिवाइड किया है, उसको हम लोग समझेंगे आगे, पर आप इन जनरल अभी समझो कि मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। टू स्टार्ट विथ, ये ऐसा हो सकता है कि सेम सब्सटेंस का हो या दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो। ये अट्रैक्शन फिजिकल है, केमिकल नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा।
यहाँ कोई रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। यानी आपका एक जो पानी का बॉटल है, ये पानी की बॉटल में जो भरा हुआ पानी है, इसके अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यही पानी के मॉलिक्यूल्स इस प्लास्टिक के बॉटल को भी टच कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के बॉटल के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसके अंदर जो पानी है वो पानी के मॉलिक्यूल्स का भी आपस में अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में रहते हैं उसके बीच में होता है, जो अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ए है, इसका अट्रैक्शन 1 2 3 4 5 सबसे इसका अट्रैक्शन रहेगा। तो ये सब आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सबका अट्रैक्शन जो आपस में होता है, ये सब अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको रिजल्ट देता है और वो रिजल्ट हमारे क्या होता है, काम आता है, किस तरह, सरफेस टेंशन जनरेट करने में। तो अभी ये समझो कि ये एक मॉलिक्यूल के आसपास में ये